राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है, जो कि 24 जून 2021 को जारी की गई। आइए देखते हैं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो स्थानांतरण नीति जारी की गई है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आदेश का एक महत्वपूर्ण बिंदु कि आखिर स्थानांतरण कब से कब तक होंगे, तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है। अर्थात उक्त अवधि में 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ही स्थानांतरण हो सकेंगे। आदेश के अगले बिंदु में जिला संवर्ग एवं राज संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानांतरण कैसे होगा, इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जिला संवर्ग के कर्मचारी गण का एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। आदेश में स्थानांतरण नीति के प्रमुख प्रावधान भी बताए गए हैं, जिसमें कुल 43 बिंदु 43 पॉइंट्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसमें एक बिंदु दिया गया है कि स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में 100% रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाएं। इसके अगले बिंदु के अनुसार प्रशासनिक ट्रांसफर किस आधार पर होंगे, इस संबंध में जानकारी दी गई है। वहीं स्वैच्छिक स्थानांतरण किस आधार पर होंगे, इसकी भी जानकारी दी गई है। जैसे प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले स्थानांतरणों में उन शासकीय सेवकों को पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया हो। वहीं स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए इसमें बताया गया है कि स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवकों के स्थानांतरणों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया गया हो। इसके अगले बिंदु में बताया गया है कि पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नी यदि एक ही जिले या मुख्यालय में कार्यरत हों तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। अर्थात पति पत्नी यदि एक ही जिले या मुख्यालय में कार्यरत हैं और इनके द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया जाता है या फिर प्रशासनिक इनका स्थानांतरण किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इनका स्थानांतरण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जिले में कार्यरत हैं या मुख्यालय में कार्यरत है तो इनका स्थानांतरण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है कि स्थानांतरण और किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। जैसे इसमें गंभीर बीमारियों के संबंध में उल्लेख किया गया है और जो जो गंभीर बीमारियां हैं इसका भी उल्लेख इसमें किया गया है कि किन बीमारियों में, किन गंभीर बीमारियों में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही इसमें दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण के विषय में भी बताया गया है कि ऐसे दिव्यांग कर्मचारी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो के समानतः स्थानांतरण न किए जाएं, किंतु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। साथ ही इसमें ऐसे अधिकारी या कर्मचारियों के स्थानांतरण के विषय में बताया गया है जिनके पति पत्नी या पुत्र पुत्री किसी प्रकार की निःसक्तता से पीड़ित है, तब इनके स्थानांतरण कैसे होंगे। इसमें बताया गया है कि ऐसे शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों को जिनके पति या पत्नी एवं पुत्र या पुत्री मानसिक निःसक्तता स्वलीन अथवा बहुआयामी निःसक्तता से पीड़ित है को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा जहां निःसक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निःसक्तता के उपचार / शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है।
अब प्रश्न आता है कि शिक्षा विभाग में आखिर स्थानांतरण कैसे होंगे, तो इसमें स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग में भी स्थानांतरण मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो स्थानांतरण नीति जारी की गई है, इसी नीति के आधार पर शिक्षा विभाग में भी स्थानांतरण होंगे। हाँ, शिक्षा विभाग द्वारा अपना एक अलग आदेश जारी किया जा सकता है जिसमें स्थानांतरण कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, आवेदन कैसे करें, इस संबंध में गाइडलाइन जारी की जा सकती है। लेकिन विभाग द्वारा भी जो आदेश जारी किया जाएगा वो सामान्य प्रशासन विभाग के जो बिंदु दिए गए हैं इन्हीं बिंदुओं के अधीन जारी किया जाएगा। तो ये थी स्थानांतरण नीति के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।